बनना चाहती थी जर्नलिस्ट लेकिन बन गई एक्ट्रेस, आखिर ऐसा क्या हुआ नित्या मेनन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चड्डा आज आपसे बात करूंगा नित्या मेनन की लाइफ स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1988। 8 अप्रैल 1988 को जब नित्या मेनन का जन्म बेंगलोर कर्नाटका में हुआ। दोस्तों, नित्या मेनन बचपन से ही काफ़ी एक्टिव और स्मार्ट थी। वो स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करती थी। दोस्तों, 6 अलग अलग भाषाएं बोल लेती हैं और इसीलिए वो डिफरेंट फिल्म्स जैसे तेलुगू, मलयालम और हिंदी फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म में काम किया जो कि एक इंग्लिश पिक्चर थी, द मंकी हू न्यू टू मच। और फिर नित्या मेनन को जर्नलिस्ट बनने की इच्छा हुई और उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने की सोची और चली पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिनेमेटोग्राफी में कोर्स करने के लिए। लेकिन यहीं बदली इनकी किस्मत। इन्होंने इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उनके ऊपर नज़र पड़ी डायरेक्टर बीवी नंदिनी रेड्डी की, जिन्होंने नित्या को एक्टिंग की दुनिया में बुलाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में टीवी सीरियल छोटी माँ एक अनोखा बंधन में काम करके की और फिर मेहनत करी और कनाडा फिल्म 7 o'clock में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया और इसके बाद मलयालम फिल्म अकाशा गोपुराम में काम किया और इसके बाद वो अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करती रही और इसके बाद वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई अपने तारा रोल के लिए 2015 में ओके कानमानी मूवी में और 2019 में बॉलीवुड फिल्म मिशन मंगल में भी अभिनय किया और फिर तो वो बहुत पॉपुलर हुई। और फिर 2020 में इन्होंने डिजिटल मीडिया डेब्यू भी किया वेब सीरीज़ ब्रीथ इनटू द शेडोज़ में। दोस्तों, आपको नित्या मेनन की कौन सी मूवी पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह थी नित्या मेनन की बायोग्राफी। अगर आप नित्या मेनन की लाइफ स्टाइल वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। अगली बायोग्राफी आप किसके ऊपर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।